नमस्कार, मैं अभिषेक राज। तो चलिए आज हम बात करेंगे इसरो के बारे में, जहां पे परमानेंट जॉब के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईटीआई स्टूडेंट के लिए। आईटीआई स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट न्यूज है कि परमानेंट वैकेंसी इसरो की तरफ से जारी किया गया है। इसरो का ही एक डिपार्टमेंट है जिसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र बोलते हैं, जो श्रीहरिकोटा में है। यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे, इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि आईटीआई के लेवल पे किसी भी सरकारी नौकरी की अगर तैयारी करना चाहते हैं आप, अगर आप आईटीआई की हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे इसरो हो, बार्क हो, सेल हो, डीआईटीओ हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके तैयारी के लिए आप इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि पटना में है और मात्र 3500 रुपये में 3 महीने क्लास चलेगा। और इस 3 महीने के अंदर में बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। सबसे पहले इसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, सारा चीज़ आपको बताया जाएगा, दिया जाएगा, जिससे आप कोई भी एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करके पता कीजिए कि आपके लिए नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए हम बात कर रहे थे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के बारे में, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आया है आईटीआई के परमानेंट जॉब के लिए, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे कैरियर पर क्लिक करना होगा। कैरियर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, और इस पेज पे आने के बाद आपको इस तरह का फॉर्मेट दिखाई देगा। इसके बाद हम नीचे आएंगे, जैसे नीचे आएंगे तो अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई पे देखेंगे कि जो पहला है, जिस दिन 9 नवंबर को इसको रिलीज किया गया था, और इसका पोस्ट कोड है 0113। और यहाँ पर देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट, नेम ऑफ पोस्ट में बताया गया कि टेक्नीशियन बी इन वेरियस कैटेगरी डिसिप्लिन के लिए यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे अप्लाई के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। सबसे पहला जो डिटेल्स है, इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि 9 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट है और 29 नवंबर तक चलेगा, शाम को 5 बजे ये क्लोज हो जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके अप्लाई हो जाएगा, और यहाँ से नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो नोटिफिकेशन आया है उसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है उस पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं, इस पर क्लिक करके। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया पेज ओपन होने लगेगा, और इस नए पेज पर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टेक्नीशियन बी के लिए जो पोस्ट निकाले गए उसके लिए यहाँ पे सारा डिटेल्स आ चुका है। जैसे आप देखेंगे टेक्नीशियन बी कारपेंटर के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से रीप्रिंट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन बी केमिकल के लिए, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन के लिए जिसमें 10 पोस्ट दिखा रहा है, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रो मैकेनिक्स के लिए, और इसके बाद टेक्नीशियन बी फिटर के लिए, टेक्नीशियन बी इंस्ट्रूमेंट्स मैकेनिक्स के लिए, टेक्नीशियन बी पंप ऑपरेटर का मैकेनिक्स के लिए, टेक्नीशियन बी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए, तो सारा यहाँ पर दिया गया है। जिस ट्रेड से आपने आईटीआई किया उस ट्रेड में अप्लाई करने के लिए सामने उसके अप्लाई का बॉटम दिया गया है, और यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना होगा। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक कीजिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन बी के लिए हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो फिर देना है। तो चलिए हम नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है इस पर क्लिक करके इसके नोटिफिकेशन को हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे, और ये देखिए डाउनलोड हो रहा है। जैसे डाउनलोड होगा इसको हम ओपन करेंगे, और ओपन करने के बाद रीड करते हैं इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या क्या दिए गए हैं। आपके सामने ये ओपन हो चुका है, और ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कारपेंटर के लिए 1 सीट दिखा रहा है, और केमिकल के लिए यहाँ पर 10 सीटें हैं। और इसके अलावा नीचे आएंगे जैसे जो आईटीआई का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं दिख रहा होगा 10 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 14 है, फिटर के लिए 34 है। इसमें जो क्वालिफिकेशन में है तो आप क्वालिफिकेशन को ध्यान से देखिएगा, तो बताया गया है इसमें कि 10वीं पास होना चाहिए, इसके साथ आईटीआई होना चाहिए। आईटीआई में अगर आपने नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट है आपके पास या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इन दोनों में से कोई हो, अप्रेंटिसशिप हो या आपने आईटीआई किया है एनसीबीटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है जितने भी आईटीआई के ट्रेड है सबके लिए। सीटों की बात करें तो यहाँ पर सीट दिया गया आपको दिख सकता है कि इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 14 है, और फिटर के लिए 34 है। फिटर में काफ़ी सीट है, फिटर वालों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है जो यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग ज्वाइन कीजिए, आप विश्वास कीजिए एक बेहतर तैयारी और बेहतर विकल्प है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे और भी आईटीआई जो ट्रेड है उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपको पैसे कितने मिलेंगे, आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो आप देख सकते हैं लेवल 3 का सैलरी पे स्केल है, मतलब 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये आपको मिलेंगे।
अगर अनुमानित पे स्केल की बात करें तो आपको प्रति माह 25,389 रुपए दिए जाएंगे। अगर आपका एज की बात करें तो एज आपका 18 साल से लेकर 35 साल होना चाहिए। 18 साल से लेकर 35 साल के बीच का एज अगर आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बताया गया है कि कर्मचारियों के लिए नवीन परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी। इसरो अपने कर्मचारियों को आकर्षक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे स्वयं एवं आश्रितों हेतु चिकित्सा सुविधाएं, सहायकी प्राप्त कैंटीन, मुफ्त परिवहन, यात्रा भत्ता, आवास सुविधा, इसके अलावा अवकाश यात्रा रियायत, सामूहिक बीमा, कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना, बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय इत्यादि, यहाँ पर आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो इतनी सारी फैसिलिटियां यहाँ आपको मिलने वाला है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट की जो सिलेक्शन कैसे होगा, जो एग्जाम होगा वो किस बेस पर होगा, कैसे होगा। तो सिलेक्शन के लिए हम बात करें कि आप तो यहाँ पर हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए आपको बता दें कि रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के अलावा प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा, मतलब स्किल टेस्ट भी होगा। तो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इसके बाद आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट में बताया गया है कि 100 अंकों पर ये स्किल टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें मिनिमम 60 अंक आपको लाना अनिवार्य रहेगा, मतलब पासिंग रहेगा। इसमें किसी को फेल और पास नहीं किया जाएगा। इसमें बताया जाए कि अगर आपने 60 से ज़्यादा नंबर लाए तो आप पास हैं, सारे लोग पास हो जाएंगे। अगर 60 से जिसका भी नंबर ज़्यादा वो पास है, क्योंकि 100 में 60 लाना मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है क्वालिफिकेशन का, मतलब आपको 60 नंबर लाना होगा प्रैक्टिकल में, 60 से ज़्यादा ही लाना होगा तो आप इसमें पास हो जाएंगे। इसके अलावा जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो केवल रिटन एग्जाम के बेस पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। तो सारा चीज़ें आपको क्लियर कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जो आप ईमेल आईडी देंगे, जो मोबाइल नंबर देंगे, वो सब ऐसा दीजिए कि आप उसे बंद ना करें, फ्यूचर में 6 महीने तक कम से कम चालू रहे, क्योंकि सारा प्रोसीजर आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के द्वारा ही दी जाएगी। तो इसके वेबसाइट पर जाने के लिए आपको पता होगा, जो मैंने लिंक आपको दिया था और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे देंगे जहां से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बहुत खास चीज़ें अब नहीं दी गई है, जितना डिटेल्स था सारा डिटेल्स आपको बता दिए। एक बार डेट का कॉन्फर्मेशन आपको फिर से देते हैं कि डेट जो है जिसका अंतिम दिन है वो 29 नवंबर है, 29 नवंबर लास्ट डेट है आपको फॉर्म भरने का। स्टार्टिंग आपका फॉर्म हो चुका है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं किए तो जल्दी से कर दीजिए। तो और भी जानकारी चाहिए आपको इसके रिगार्डिंग, इसके रिलेटेड जो भी जानकारी अगर आप चाहते हैं या चाहते हैं एक और वीडियो बनाए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको इस फॉर्म को भरने में क्या प्रॉब्लम है और क्या जानकारी आपको इसमें लेना होगा जिससे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारा चीज़ें आपको बता चुके हैं, और ज़रूरत पड़ेगा तो और भी वीडियो इस पर आएंगे। अभी के लिए बस इतना है, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।